14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 लगातार चांद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से चांद पर पहुंचना अब आसान नहीं लगता। लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे कि चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 से कनेक्ट कैसे हो गया और चंद्रयान 3 इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका, यूरोप और चीन आज भारत की कामयाबी को देखकर चौंक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा चंद्रयान 3 भारत के लिए एक विश्व कीर्तिमान रचने जा रहा है। दोस्तों, 6 अगस्त की रात 12 बजे जब सभी लोग सो रहे थे, तब चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश करने वाला था। लेकिन पूरे 30 मिनट तक इसरो की टीम की सांसें थमी हुई थी, क्योंकि जिस वक्त चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश करने वाला था, वहां जाते वक्त चंद्रयान 3 को धरती अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ खींच सकती थी, जिस कारण से चंद्रयान 3 के क्रैश होने का खतरा था। लेकिन रात 12 बजे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सिग्नल भेजा और उसी वक्त चंद्रयान 3 ने अपने इंजन को चालू किया और तेजी के साथ बड़ी आसानी से पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही किसी अनजान चीज का सिग्नल मिलना चालू हो गया, जिसके बाद इसरो के ऑफिस में बैठे वैज्ञानिकों के हाथ पैर फूलने लगे। सभी के मन में डर का माहौल बन गया, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि यह एलियंस के द्वारा भेजा जाने वाला सिग्नल हो सकता है। तभी चंद्रयान 3 इस सिग्नल को पहचान लेता है। उसके बाद जो हुआ, जिससे इसरो के ऑफिस में बैठे सभी वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, क्योंकि यह सिग्नल चंद्रयान 2 से आ रहा था, जो चांद की सतह पर अभी भी मौजूद हो सकता है। चंद्रयान 2 चांद की सतह पर जाते वक्त क्रैश हो गया था, जिसे सभी ने फेलियर का नाम दे दिया था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अचानक से चंद्रयान 2 जाग उठेगा। चंद्रयान 3 के पास जाते ही चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 से कनेक्ट हो गया और वह वहां पर मौजूद सभी चीजों की जानकारी चंद्रयान 3 को लगातार भेज रहा है, जिससे एक ऐसी जानकारी चंद्रयान 3 को भेजी गई है, जिसके बाद से चंद्रयान 3 के लिए एक बड़ी मुसीबत चांद पर चंद्रयान 3 का इंतजार कर रही है। उससे पहले जानते हैं कि चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ था। दरअसल जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, उस वक्त चांद की सतह पर लैंड करते वक्त चंद्रयान 2 का 10% हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसके बाद चंद्रयान 2 का पृथ्वी से संपर्क टूट चुका था और इसी कारण से सभी ने इस मिशन को फेल मान लिया था और दुनिया चंद्रयान 2 को पूरी तरह भूल चुकी थी। चंद्रयान 2 में रोवर विक्रम, अंतरिक्ष यान और ऑर्बिटल को चांद की सतह पर भेजा गया था। रोवर विक्रम का काम चांद की सतह की जांच करना और जानकारी को इकट्ठा करके पृथ्वी पर भेजना था, लेकिन रोवर विक्रम चांद की सतह पर जाते ही क्रैश हो गया था। लेकिन ऑर्बिटल आज भी वहीं मौजूद है और लगातार कार्य कर रहा है। इसी कारण से चंद्रयान 3 में केवल रोवर और लैंडर को ही भेजा गया है और ऑर्बिटल को नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल का ही प्रयोग किया जाएगा। चंद्रयान 2 से मिली जानकारी में पता चला कि चांद पर वायुमंडल मौजूद है। इस जानकारी से चंद्रयान 3 के रोवर को और भी कई जानकारी इकट्ठा करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के सामने ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है, जिससे इसरो के वैज्ञानिक की नींद उड़ गई है। तो चलिए जानते हैं। चंद्रयान 3 इस वक्त 40,400 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत में इसने धरती के कुल 5 चक्कर को पूरा कर लिया है और अब बारी है चांद के चक्कर लगाने की। और अब यह चांद की सतह पर जाने से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन अमेरिका और फ्रांस की स्पेस एजेंसी चंद्रयान 3 पर अपनी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि अब चंद्रयान 3 के रास्ते में कुछ ऐसी मुसीबतें आने वाली हैं जो बेहद ही जोखिम भरी हो सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद अब यह चांद की ओर बढ़ रहा है। इस बीच चंद्रयान 3 के रास्ते में
कई सैटेलाइट और उल्का पिंड तेज गति से इससे टकरा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चंद्रयान 3 के साथ क्या होगा, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के साथ दूसरी मुसीबत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर बताई जा रही है। चांद के चक्कर लगाते वक्त चंद्रयान 3 में फ्यूल की कमी पड़ सकती है, जिससे हमारा चंद्रयान 3 रास्ते में ही बंद पड़ सकता है। 40,400 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करेगा, यह वैज्ञानिकों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 सही तरीके से चांद पर लैंड कर पाएगा या नहीं, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।